क्या आप भी नई स्टोरीज, अच्छी स्टोरी क्राफ्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं? क्या आपको नहीं पता कि अपनी स्टोरीज को कैसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल जाए जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए? तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे फ्रेमवर्क जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय देयर, आई एम हरितोष श्रीवास्तव। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग से कुछ भी इंटरेस्ट है, आपको इस चैनल पे बहुत सारा वैल्यूबल कंटेंट मिलने वाला है। और अब बात करते हैं आज के वीडियो की, जो कि थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आई एम गिविंग यू 3 डिफरेंट फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज़ फॉर 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे आपकी स्टोरीज बेटर हो सकती है। तो वॉट आर दोज फ्रेमवर्क? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड देन, नाउ एंड हाउ। तो ये बेसिकली है क्या और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली देन, नाउ एंड हाउ वहाँ पे ज्यादा यूज होता है जहाँ पे आपको कुछ सेल्स करनी है, जहाँ पे आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी, जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है। एंड वॉट डज इट मीन? इसमें आप दिखाते हैं एक देन। देन मीन्स कि पहले क्या था, पहले क्या कंडीशन थी। देन आप दिखाते हैं नाउ, मतलब अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या हो रहा है। एंड देन आप दिखाते हैं हाउ। एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव एन एग्ज़ाम्पल। पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और मुझे चलने में दिक्कत होती थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती थी। उसके बाद अभी मैं 20 किलो वजन घटा चुका हूँ, अभी मुझे बहुत एनर्जी रहती है, मैं हमेशा फिट रहता हूँ। और इन सब का कारण है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है पिछले 3 महीने में। तो मैंने जानबूझकर किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, बट बेसिकली ये जो मैंने कहा, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को रख सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव। और अगर आप देखोगे तो TV एड्स में या फिर कुछ वेबसाइट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, देन नाउ एंड हाउ। अब बात करते हैं सेकेंड फ्रेमवर्क की, जो कि मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेब सीरीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप एक बड़ा टॉक देने जा रहे हैं वहाँ पे भी ये फ्रेमवर्क बहुत यूज़ होता है। एंड दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द हीरोज जर्नी। ये बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप दिखाते हैं कि एक हीरो है जिसकी एक रेगुलर लाइफ चल रही है, एंड देन कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, उसके बाद कोई उसको गुरु या मेंटर या कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उसकी हेल्प करती है, फिर वो कुछ ट्राई करता है, फिर कई बार उसको और परेशानियाँ आती हैं, बट अल्टीमेटली एंड तक आते आते या तो वो सक्सेसफुल हो जाता है या तो वो फेल हो जाता है। और मैं इसमें एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ, बट अगर आप एनालाइज करोगे तो बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे वेब सीरीज़ इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके करते हैं, बनते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द हीरोज जर्नी। एंड द थर्ड एंड द फाइनल फ्रेमवर्क जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बताता हूँ, दिस इज़ माई ओन फ्रेमवर्क, इट्स कॉल्ड द 4-स्टेप फ्रेमवर्क। एंड वॉट एग्जैक्टली इज़ द 4-स्टेप फ्रेमवर्क, और कैसे ये यूनिवर्सली हर जगह या ऑलमोस्ट यूनिवर्सली आई वुड से हर जगह यूज़ कर सकते हैं? सो द फ्रेमवर्क के 4 पार्ट हैं, एज द नेम से 4-स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज वेयर यू नीड टू हैव अ हुक एंड सेटअप। तो बेसिकली आपकी स्टोरी कोई क्यों सुनेगा, उसके लिए यू नीड टू हैव अ हुक एंड यू नीड टू ऑल्सो गिव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। देन पार्ट 2 इज वेयर यू ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू, कुछ कंसर्न, कुछ सेटअप, कुछ चीजें हैं जो मिसिंग हैं, वो आपको एस्केलेट करनी, दैट इज कॉल्ड इज ब्रिंगिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट। एंड स्टेप 3 इज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हुई कि परमानेंटली नहीं सॉल्व हुई, कुछ इशू था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से ये 3rd स्टेप है वेयर यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। एंड द 4th एंड द फाइनल स्टेप इज वेयर यू कंक्लूड एंड यू ऑल्सो गिव द टेक अवे। तो स्टेप 1 इज सेटअप एंड हुक, बेसिकली आपको ऑडियंस का अटेंशन लेना है, आपको बैकग्राउंड स्टोरी बतानी है, आपको कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने हैं। स्टेप 2 में आपको कॉन्फ्लिक्ट को
लाना है, आपके कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करना है जैसे कहते हैं। स्टेप थ्री में उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। एंड स्टेप फोर में यू टॉक अबाउट कि वॉट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, उसका कंक्लूजन क्या है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है, क्या टेक अवे है। दैट इज अ फोर स्टेप फ्रेमवर्क एंड बहुत ही ईजी है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट एंड पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। I'll wait for that. I will see you in the next video. Take care, stay safe, and stay blessed.